क्वेश्चन इज टू मिस्टर त्रिवेदी सर योर पार्टी बिलीव दैट सोमनाथ से सिल्चर तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक देर इज वन कल्चरलेशनल यूनिटी दैट कनेक्ट एंड इट इज नॉट पोलिटिकल और टेरिटोरियल इन नेचर इसका क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है एक ऐसा राष्ट्रवाद है जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में हम सब जानते हैं सब्जेक्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड पर्टिकुलरली वन इट कम्स टू इन कॉन्टेक्ट विद इंडिया वी हैव टू फर्स्ट आई टू अंडरस्टैंड वॉट इंडिया इज देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट नेशनलिज्म इज देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये एक फैक्टर इफ यू लुक फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप टू जापान वी आर द ओनली सस्टेनेबल प्योर डेमोक्रेसी इन एंटायर ईस्टर्न एमोस्फियर ये दूसरा सत्य है तीसरी बात यह है इफ यू लुक एट दल ग्रेट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड चाइनीज सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन बेबूलेन ग्रीस इजिप्ट इंका माया एस्टेक रोमन एम्पायर वी आर द ओनली सरवाइविंग सिविलाईजेशन ऑफ द वर्ल्ड जो अला इकबाल ने कहा था ना कि यूनान मिस्टर सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा वो कुछ बात समझने की जरूरत है चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे कंट्री का वी आर द ओनली मेजर कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री विच नेवर वेंट फॉर इनवेजन और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे नेशन की क्या है इफ आई आस यू नेम ए कंट्री इन द वर्ल्ड इन विच ऑल द रिलीजन ऑफ अर्थ आर देयर इट इज ओनली इंडिया जोरस्टियंस पारसी अपनी जमीन से खत्म हो गए बचे हैं तो सिर्फ भारत में जब इसराइल बना तो ज्यूज ने अपनी हिस्ट्री लिखी और हर कंट्री में उनके ऊपर जो जो अत्याचार हुए उनको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया और सिर्फ इंडिया एक कंट्री था जहां के ज्यूज ने लिख के भेजा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन और इससे भी ज्यादा मैं आपसे कहूं ओल्डेस्ट चर्च कहां पे है ठीक है उसको लेकर एक डिबेट भी है बट इट इज बिलीव्ड दैट इट इज इन मालबार कोस्ट ऑफ केरला इन केरला द रूट्स ऑफ क्रिश्चैनिटी इज मोर एंशियंट देन यूरोप और अगर आपसे पूछे हैं मैं देखिए कोई बहुत बड़ा इस्लामिक मामलों का जानकार नहीं हूं पर इस्लाम में बहत्तर फिरके हैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया का एक देश बताइए जहां बहत्तर के बहत्तर फिरके हों तो कोई मुस्लिम देश नहीं है वो भारत अब आपको समझना होगा वो कुछ बात क्या थी यही एक कुछ बात है देखिए हमारा कॉन्सेप्ट नेशन का और आज का कॉन्सेप्ट नेशन में एक बेसिक डिफरेंस है टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज अ पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन इट इज अ पार्ट ऑफ लैंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी हम कहते हैं जियो कल्चरल नेशन इट इज सर्टेन सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज विच इंस्पायर एंड मोटिवेट फॉर जनरेशन एंड जनरेशन सो इन आवर कॉन्सेप्ट नेशनल नेशन इज अ थॉट, इट इज इंस्पिरेशन वो एक जीवंत चेतना है इसीलिए हमारे यहां राष्ट्र को भारत माता कहा गया है जमीन का टुकड़ा नहीं कहा गया है अब जो आपने कहा गया हम किस ढंग से देश को जोड़ते हैं कैसे हम जुड़ जाते हैं मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आप देश के किसी भी हिस्से में खड़े होकर जो हमारी संस्कृति के प्रतीक है दुर्भाग्य यह है कि जो कुछ बात थी उसको मैकॉले स्कूल ऑफ थॉट के चलते हुए उसको रिलीजियस एंगल में पोर्ट्रे करके एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे डाल दिया गया मैं एक छोटी सी बात कहता हूं इस देश के जो हैं आप कहिए जी मैं तो राम का भक्त हूं तो राम की राजधानी अयोध्या से लेकर और राम सेतु दक्षिण तक पूरा का पूरा देश से आप कनेक्ट हो जाते हैं आपने कहा नहीं जी राम का नहीं जी मैं तो शंकर जी का भक्त हूं तो अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक और काशी विश्वनाथ से लेके मल्लिकार्जुन तक आप पूरे देश से जुड़ जाते हैं आप कहा नहीं जी मैं तो देवी का भक्त हूं तो आप वैष्णो देवी से लेके और कन्याकुमारी तक और मुंबा देवी से लेके कामाख्या तक जुड़ जाते हैं कोई तो भी हमारे यहां कथा सुन लीजिए कहानी सुन लीजिए देश के भिन्न भिन्न अंचलों से कनेक्शन और इतना ही नहीं उदाहरण देना चाहता हूं रामेश्वरम आप में से जितने लोग गए होंगे अगर आपने देखा हो वहां बाईस कुओं से स्नान करना पड़ता है वो हर बाईस कुआ एक तीर्थ का सिंबल है मीन्स सिटिंग ऑन द फार्देस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ कंट्री यू आर कनेक्टेड टू मोस्ट पार्ट और जब आप वहां रामेश्वरम में शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं उससे पहले कहता, नहीं, नहीं, पहले इस वाले शिवलिंग के दर्शन करिए तो कौन है कहते हैं, ये काशी विश्वनात। काशी विश्वनात में। आपको दूसरा उदाहरण देता हूं जब आप पूजा करते हैं हाथ में जल लेते हैं तो पुजारी क्या श्लोक बोलता है गंगे चाहे यमुने चाहे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेमिन सन्निधिम कुरु देश की सारी नदियों के जल को मैं प्रतीक रूप में स्मरण करता हूं ये वो चीज है जो आप किसी भी परिस्थिति में रहें कोई हिस्सा किसी भी पॉलिटिकल पावर के कंट्रोल में रहे मगर आपका दिल उससे जुड़ा रहता है और आज भी वो चीज है उदाहरण दे के कहता हूं ननका साहब पाकिस्तान में चला गया पर गुरु नानक की शिक्षाएं भारतीय इतिहास का हिस्सा है या पाकिस्तान के इतिहास का न पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा है ना पाकिस्तान ओन करता है ओन भी हम ही करते हैं और वो हिस्सा भी हमारा है तो कोई जमीन का टुकड़ा कट जाने से चेतना नहीं कट जाती और आज भी मैं कहूंगा हमारे नेशनल एंथम में पंजाब सिंध गुजरात मराठा है तो सिंध तो आज भारत का हिस्सा नहीं है कुछ लोगों ने शायद कोर्ट में जाकर प्रयास भी किया था वो जो भी टेक्निकल रीजन है मना कर दिया तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा कहता है सिंध आज भी हमारा हिस्सा है कॉन्शियसनेस का इसलिए हम जिस नेशनलिज्म की बात करते हैं वो हमारा देखिए कंट्री अलग है नेशन अलग है देश अलग है राज्य अलग है और राष्ट्र अलग है देश है जमीन राज्य है पॉलिटिकल अथॉरिटी अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी सब कुछ होती तो ट्वेंटी में सबसे पावरफुल देश था यूएसएसआर जरा सी पॉलिटिकल अथॉरिटी कमजोर हुई पंद्रह टुकड़ों में विभाजित हो गया पूरा यूरोप रोमन एम्पायर के रूप में एक देखा, हजार साल पहले आप एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच को देखेंगे ना उस जितना अंतर आएगा, जितना अंतर आएगा, उससे उतना आपको एक पंजाबी और एक आर वन नेशन आफ्टर थाउजेंड ईयर ऑफ फॉरेन डोमिनेंस और ऐसा वो एक साथ नहीं रह पाए क्यों वो इसलिए हमारे लिए राष्ट्र चेतना है और न चेतना को कोई मार सकता है न चेतना को कोई काट सकता है उनके लिए देश एक जमीन का टुकड़ा है जिसे कब्जा भी किया जा सकता है जिसे तोड़ा भी जा सकता है इसलिए हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं इट इज कल्चर और मैं ये भी कहूंगा अगर आज के इस सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए तो वो सलूशन सिर्फ इंडिया से मिलेगा क्योंकि हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसने कभी भी किसी के ऊपर कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं की साहब और वो इंस्पिरेशन कहां से आता है मैं उदाहरण देता हूं भगवान राम ने लंका को कब्जा किया रावण को मारकर क्या उसका एनेक्सेशन किया नहीं वहां कोई अपना डिप्यूटी बैठाया नहीं इनडायरेक्ट कंट्रोल किया नहीं वहीं के राज्य को कहा हां जी साहब आप रखिए कोई हमें चिंता की बात नहीं है हमारा उद्देश्य क्या है वैल्यूज को स्टैब्लिश करना ना कि कंट्री को अपने में मिलाना दूसरा एक अंतिम एग्जाम्पल देता हूं अमेरिका आज दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है कोलंबस जब वहां पर लैंड किए जितने नेटिव्स थे अमेरिका के फिजिकली खत्म हो गए आज कितने रेड इंडियन बचे हैं दे है फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल द नेटिव्स और ईस्ट में एक कंट्री है कंबोडिया कंबोडिया का प्राचीन नाम है कंबुज कंबुज इसलिए कि वहां कंबू ऋषि गए थे कंबू ऋषि गए उन्होंने उनको पूरा का पूरा उनको सिविलाइज किया कहा आप वैसे ही रहिए ना हमने आप पे कंट्रोल किया ना मैंने आपको अपने में मिलाया ना आपको एलिमिनेट किया ये कंबू और कोलंबस का जो अंतर है ना ये वेस्टर्न माइंडसेट के नेशनलिज्म और हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अंतर है धन्यवाद